छोरे का स्टेमिना देखो और आंख देखो। ओ भाई दा वेरी गुड, लग गया तो सही के भीतर लग गया है। आ जाओ एक बारी चेक करांगे, लग गया। देखो भाई कितनी भीड़ भैज लिया देखने खातर। अरे वेरी गुड, ये देखो तैयारी, गच की तैयारी भाई साहब, नौकरी की तैयारी, सपोर्ट्स की तैयारी, सारी तैयारियां का मैं चाला पैड दिया है सर। 31 तारीख को ठीक सुबह 9 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, छठी से लेके प्लस टू तक जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की और स्पोर्ट की तैयारी करना चाहे उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। अरे वाह रे वाह, पूछ रहे थे ना, ला भाई ताड़िया होनी चाहिए भाई छोरे का, तो छोरा कट गया। कितने एक बच्चे लगवा दिए आपकी तरफ से, क्या अचीवमेंट है अभी प्लस टू में? प्लस टू जैसे प्लस वन और प्लस टू के बच्चे हमारे जो पढ़ते पढ़ते 12-13 बच्चे सिलेक्शन हो चुके हैं आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर उससे पहले, उससे पहले तकरीबन 3.5-4 साल में 350 प्लस सिलेक्शन दे चुके हैं। ओ भाई रे कमाल कर दिया भाई, इतने सारे सिलेक्शन दे दिए, चाड़ा पैड दिया है भाई। सारे भाइया ने राम राम। अरे भोजराजस्थान लग रहा था, रास्ते में देखा जंगल में मंगल कर रखे है। ये जंगल देख लो, पहले तो कसूता जंगल है और उरे मंगल कर रखे है। एक पुरानी आपने सुना होगा बिला जी, एक लव्य था, अर्जुन था, गुरु द्रोणाचार्य थे, शिक्षा ले दी उनने कुछ इस तरीके का संग है। उरे पछला पास बोर्ड लगे उड़ा देखा था, एक बोर्ड अगला पास हुआ यो दिखाऊंगा तमने, लेकिन उससे पहले इसका नाम सहरन सुना होगा, शांति निकेतन। ये दिखाइए भाई एक बारी, ये देखो शांति निकेतन दिखा, यो नाम सारे सुना होगा। अरे कन यो बोर्ड भी लग रहा है, यो बोर्ड और देख ले भाई, ये बोर्ड दिखाओ। उरे नहीं ऐसे धनुर्धारी आदमी तैयार करते हैं तसल्ली के। ये देखो आर्चरी, कबड्डी, हैंडबॉल ग्राउंड, क्लासेस, हॉस्टल, कंप्यूटर लैब। यो एक ईसा दावा ठोक दे है कि बालक जो है वो पढ़ाई करते करते स्पोर्ट्स का नहीं भी ध्यान, और उसके गेले गेले अगर मैं बात करूँ तो नौकरी की तैयारी हाथों हाथ, यानी कि पढ़ दे कोई मानस नौकरी की भी तैयारी कर ले और मौके के ऊपर नौकरी लग जाए, कमाल की बात है। सुना बहुत है, आज चल के आवा, इनके केस होता है जंगल में मंगल कर रखे है। दिखाइए भाई इसका एंट्री गेट दिखा दे मोहित भाई, ये देखो शांति निकेतन विद्यापीठ, उर्त तो एंट्री होगी इसकी तो शाम रोड इसार, और यह एंट्री मार दी है अपन, यह देख लो पूरे सिक्योरिटी खाता लगा रखा है और उर्त एंट्री ला गई है। देखो बाहर का मोमेंट देखो और भीतर का मोमेंट देखो, और फिर एक बारी फिर मोमेंट बदलेगा बिल्कुल। जुकर जंगला में तैयारी कराया करते नहीं द्रोणाचार्य जी और अर्जुन लग, उसे तरीके की तैयारी पूरा हुआ जंगल का मैं। और आप लोगों को बोला यार चढ़ा पड़ दिया मोहित भाई, आज तो पहले ऐसा सिस्टम देखा है कदे? ना भाई इस तरह का तो नहीं देखा कोई भी सिस्टम, बिल्कुल जंगल में मतलब कमाल की बात है। कोई जबरदस्ती काम पाओगे भाई साहब? जबरदस्त तो मैं कहूँ भाई साहब, एक तो एक धनुर्धारी तैयार करते हैं, स्पोर्ट्स का मैं तैयार करते हैं, और नु मान ले के छठी सातवीं आठवीं क्लास में उरा एडमिशन चालू, और दूसरी बात यह है जो सब बालक ने छठी में एडमिशन ले लिया उसकी नौकरी खातर पहले तैयारी चालू। नु मान ले जो बालक फार्म भरने जोगा होगा नहीं, इतना तो नौकरी हाथ में ले। दिखाइए भाई यो एरिया है क्या, ये देखो जंगल है, यो जंगल बिल्कुल। जंगल का मैं मंगल कर रखा है, बिल्डिंग बना दी पूरी बड़ी शंकराई डिफेंस अकेडमी, और तसल्ली की अकेडमी है, पूरा हरियाणा छुट्टी बोल रखी है इस अकेडमी ने। देख भाई एक बारी तो देख कितनी बड़ी अकेडमी बना दी, पूरा हॉस्टल बना रखे किस्म तेजी स्कूल मान मोहित भाई। ये देखिए लग रहे, ये लग रहे कई बार खड़े सामी दिखा, उड़ तीर गाड़े हैं उसमें, तीर गाड़े में देख वो सामी निशान लग रहे उसमें, तीर गाड़े हैं। हाँ आ जाए एक बारी देखांगे। अरे छोरी भी हूँ रे तो है, लड़के लड़कियां दोनों को एजुकेशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट चल आगे भाई, देखांगे बातचीत करांगे केस होता है। अरे मैं मेरा माइक मुइक ठहलूँ, चल आए बातचीत कराए। ला भाई ओहो हो चाला पैड रखे भाई, शंकराय डिफेंस अकेडमी ना और दिखा दे, शंकराय गुरुकुल डिफेंस अकेडमी, आर्मी, हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, हदे कर दी भाई। छोरी भी मौजूद है उरे, ये देखो ये क्या चल रहा है उरे, इनके गले बतलावांगे। आजो भाई आजो देखते हैं भाई, धनुष धनास चलाओ, मैंने सुना है धनुर्धारी तैयार करते हैं उरे है। ओहो क्या बात है, इनको दिखाओ भाई, ये ऐसा चेहरा है कैप्टन रह चुके हैं। कैप्टन साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या तैयारी करवा रहे हो सर यहाँ पे? ये आर्चरी कहते हैं इसको, धनुर्विद्या जो इसके नाम से जानते हैं इसको हिंदी में, ये अभी इस साल हमने नाम बहुत सुना आपका। मैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ बिला जी, द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं, अर्जुन को शिक्षा दी, एकलव्य ने मूर्ति बना के शिक्षा ली, और चाला पैड दिया धनुर्धारी बन गए। इस प्रोग्राम उरे खिला रखे था हमने। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छी गेम है, और इसमें जो हमारे कोच हैं आशीष जी, बहुत ही
नेशनल लेवल के कोच हैं ये। अच्छा। और इनकी बहुत अच्छी मतलब अचीवमेंट्स है। ये धनुष जो है ये तो बड़ा महंगा आता हुआ आर्चरी का, ये प्रोडक्ट बड़े महंगे। अच्छा ताड़ी तूड़ी बजाने लग गया है, जमा सिस्टम ठोक दिया गया, ऑर्डर ठोक दिया गया। आजो आजो, पहले तो ऑर्डर ही बात कराएं, क्या बात है। ये देखो दे, मैं परंता हूँ, कड़िया मेरे गोदे भाई है। ला भाई चाप पड़ दिया है, मैं ला गया क्यों जाएगी, मैं ला गया। दिखाइए एक बार मोहित परंत, दिखा कितनी दूर का डिस्टेंस है, चौखा डिस्टेंस दिखा है। आज एक बार बात कराएं। हाँ जी बबलू भाई, राम राम। राम राम जी, राम। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसी कौन सी शिक्षा देने लग गया है, जमा तीर मारा मैं को कट दे। बिल्कुल कोच साहब से ये चीजें सारी जानो, क्योंकि अभी शंकरा डिफेंस एकेडमी ने लेटेस्ट सपोस्ट है इवेंट लेके आई है, कबड्डी आर्चरी और बास्केटबॉल। मैंने सुना है कि जो छठी था सातवीं था आठवीं के जो बालक और एडमिशन ले ले हैं, उस लोग स्पोर्ट्स की भी तैयारी करा दो, नौकरी भी तैयारी करा दो। इतने बालक की उम्र हो, इतने नौकरी हाथ में उसका। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे जो प्लस वन प्लस टू के बच्चे थे वो पढ़ते पढ़ते जॉब लगे, सात आठ बालक ऐसे हैं जो कि प्लस वन में थे और प्लस टू में थे। भारत की सेना से रिटायर हो या वैसे वर्दी डाल रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंडियन आर्मी में जाट रेजिमेंट में था और फिर नाइन पैरा के अंदर गया, मैं चार साल हो गई पेंशन आए हुए। इधर सारा एक्स सर्विस मैन स्टाफ है। क्या बात है, यानी कि जो एक्स सर्विस मैन जब पढ़ाऊगा लिखाऊगा तैयारी कराऊगा फिर तो डूडा पैटा पुटा है। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश भाई, नाम बहुत सुना है, आज आया हूँ मैं उरा देखने खातर। ये देखो पहले तो धनुष देखो, इनके कितने जबरदस्त हैं। और छोरे की उम्र देखो यार, क्या उम्र होगी बालक की दीपेश? 12 साल। 12 साल उम्र, 12 साल की उम्र के अंदर इतना तजुर्बा। हाँ जी, अभी बच्चे छोटे छोटे अभी लगे इनको, 1.5 साल हो गया। अच्छा। क्योंकि एक ऐसा गेम है ना, इसको सीख लिया जाता है आसानी से, इसको कोई भी बच्चा सीख सकता है, पर उसके बाद है ना काफी टाइम उसको अपने माइंड पे अपना शुभ नाम पड़ती है। मेरा आशीष मलिक जी। आशीष मलिक जी कहाँ से हो? मैं उमरा से जी। उमरा में तो घने खिलाड़ी हैं। हाँ, वो हमारी एकेडमी है जी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पे क्या कोचिंग देते होगा? हाँ जी, मैं यहाँ पे कोचिंग देता हूँ, बच्चों सिखाता हूँ इनको। कोई भी आ सकता है सीखने? कोई भी बच्चा सीखने आ सकता है और जल्दी सीख जाएगा इसको। इसका फायदा नुकसान? इसका फायदे फायदे हैं जी, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसको चलाएंगे जब बच्चा जो पढ़ता नहीं ना बच्चा, अगर वो भी इसको करने लग जाएगा ना तो वो पढ़ने भी लग जाएगा। वो पढ़ने भी लग जाएगा। मैंने सुना है कि भाई मान लिया जो नौकरी का टाइम आवे नहीं जिस टाइम पे, और जिसके पास में स्पोर्ट्स हो और जो इस तरीके की आइटम सीख रखी हो तो नौकरी तुरंत मिल जाए उसने? हाँ जी बिल्कुल मिल जाए, क्योंकि नेशनल मेडल पे आर्मी वगैरह में नौकरी और ऐसे डी ग्रुप वगैरह में काफी जगह नौकरियां निकल। ये उम्र लग रहे हैं कि इनके निशाने लग भी हैं? नेशनल मेडलिस्ट हैं जी बच्चे इनमें। नेशनल मेडलिस्ट? हाँ जी। अच्छा, और नेशनल तक खेले हैं काफी। वेरी गुड, आप कहाँ कहाँ खेले हो? मेरे नेशनल हैं सर, नेशनल में मेडल है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज हैं, बस ये अपने कैंप वगैरह में रहे हैं ऑल इंडिया के। ये कितना मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से लेके वहाँ तक का? ये 50 मीटर है जी अभी तो। 50 मीटर? हाँ, ये कंपाउंड में चलता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की तैयारी करवाते हैं? हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की जी। एक बार देखा भाई, कर लिया चेक कर लिया? यस सर। अब भाई रे आजो भाई, एक मानस आजो, एक कौन सा चला के दिखाऊंगा, तीर कौन सा चला के दिखाऊंगा, धनुष कौन सा चला के दिखाऊंगा, सिखारे तो छोटा बालक पकड़ांगे, देखांगे कितना दमखम है उसका। मैं आजो भाई, परला पास लग रहे हैं कि तीर, एक बारी तीर काट लियो भाई साहब, जो पहले ओड लग रहे नहीं वे तीर काट लियो, बेरा पटका एक तीर गोवांगे और कड़ लग लगेगा जाके जमा, निशाना पक्का लगेगा के कच्चा लगेगा, एक बारी काट लियो उसके तीर काट लियो। ओहो हाँ जी कैप्टन साहब, कितने एक साल हो गए आपको यहाँ पे, आपकी एकेडमी खोले हुए, कितने एक बालक लगवा दिए, क्या कुछ अचीवमेंट है यहाँ पे? हमें 5 साल हो गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, 300 से ज्यादा बच्चे हम नौकरी लगवा चुके हैं। और जैसे आप स्पोर्ट्स की पूछ रहे थे कि इसका फायदा क्या है नौकरी में, अभी पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी डी ग्रुप में 81 पे गई थी, और ये जो स्पोर्ट्स के बच्चे थे ये 38 नंबर वाले लगे हैं उसमें, सिर्फ 38 वाले। बिल्कुल, ये फायदा है इसका। यानी कि जो बंदा स्पोर्ट्स लेगा और जो वो अपने स्पोर्ट्स के अंदर काबिल होगा तो 38% लग जाए कट ऑफ गई है तो बड़ा की नौकरी तो लगी लोगी। बिल्कुल, स्पोर्ट्स कोटे का और जनरल कोटे का ये फर्क है। ये फर्क है? हाँ जी, जनरल वाला भी स्पोर्ट्स में है कि और नौकरी ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है। कितने एक बच्चे अपने नौकरी पे लगे हैं? अपने 300 से ज्यादा बच्चे अभी तक नौकरी लग चुके हैं भाई, और उन्होंने काटने शुरू कर दिए, तीर काटने शुरू कर दिए हैं। क्या बात है भाई, साइड में हो लो, ओड़े रहियो, साइड में हो लो, साइड में हो लो। हाँ, निशाना मार देगा जी? बिल्कुल मारेगा जी, देखना आप अभी जमा बीच में, बीच के पॉइंट पे देखो आप, बीच का पॉइंट तो पीड़ा होगा। यो बोलते ना, हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो सामने है।
अभी देखिएगा इसकी परफॉर्मेंस। एडमिशन कितने एक कौन सी क्लास से बच्चों का लेना शुरू? एडमिशन है यहाँ छठी से लेके बारहवीं तक। पढ़ते पढ़ते बच्चे स्पोर्ट्स की भी तैयारी करते हैं, नौकरी की भी तैयारी करते हैं और डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। यहाँ पे बहुत कामयाब होते हैं बच्चे, कामयाब हो जाते हैं बिल्कुल। हॉस्टल की फैसिलिटी? हॉस्टल की अलग अलग फैसिलिटीज है, लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों का अलग है। अच्छा, लड़के लड़कियाँ दोनों आके और आपकी जिंदगी को यहाँ पे यानी कि एक नया सफर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ये छोरा तैयारी करने लग रहा है, दिखाइए भाई एक बार, दोबारा डालो यो तीर इसके में, दोबारा डालो। पहले तो ये धनुष दिखाओ मैंने आपका, ये देखो भाई क्या बोलते हैं इसको, आर्चरी है, ये आर्चरी है, इसको यहाँ से पकड़ते हैं, वो बोलते हैं इसको तो। हाँ जी, गेम को, गेम का नाम आर्चरी है और इसका नाम बो है। बो है, रिकर्व बो। कितने का आता भाई ये? ये 3 लाख तक का आता है। 3 लाख तक का आता है और उससे ज्यादा का भी? उससे ज्यादा का भी। कम का भी आता होगा? कम का भी आता है। जब बच्चे ने किसी ने आपकी जिंदगी बनानी है तो सस्ते में भी आपकी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 13 साल। 13 साल उम्र होगी। कम वाला ये रहा। अच्छा, कम वाला बोरा बोरा यानी कि ये कम बजट से भी शुरू हो जाता है। जब किसी बच्चे ने तैयारी करनी है तो ये देख लो मौके को ऊपर है। ये स्पोर्ट्स अकेडमी कह लो इसने, आर्मी में लगवाने की फैक्ट्री कह लो इसने, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा को पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स की तैयारी, इतना बड़ा होगा इतने तो गंडा पैट लेगा भाई। ये देखो ये क्या डाल रखा है आपने हाथ में? ये हाँ, फिंगर टैप, इससे दर्द नहीं होता ना खींचते हुए? अच्छा, खींचते हुए दर्द नहीं होता, दिखाना एक बार इसको। ये देखो भाई ये आइटम है, ये बच्चे ने लगा रखी है। अरे वो लगा के, अरे धनुष चला के दिखाओगा, ये बहुत चला के दिखाओगा भाई। वेरी गुड, लगाओ भाई इसको। और ये देखा है निशाना जो फिट लगेगा नहीं लगेगा, पूरा कंसंट्रेशन होता होगा इसमें। बहुत वैल्यू है कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन नहीं है तो चूक जाएगा, चूक जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ना भाई। और ये इबागा परल में कोई नहीं लग रहा होगा, तीर को लग रहा होगा परल में, मार दे तो साइड में हो जकड़िया तेरे गुजे। ये देखो भाई, ये देखो लड़के की तरफ देखो भाई। हाँ अभी छोड़ दे मत मेरे भाई, ये देखो छोरे का स्टेमिना देखो और आंख देखो। ओ भाई दा, वेरी गुड। अच्छा एक और मार के नहीं है दीपेश भाई, हैंडबॉल भी साथ में है और कबड्डी है। अच्छा, दोनों की नेशनल लेवल की तैयारी हम लोग करवाते हैं यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपको बताना चाहूंगा कि 31 मार्च को एक टेस्ट रखा है हमने, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें बच्चे आके यहाँ पे टेस्ट देंगे। अच्छे नंबर लाने वालों को फीस में भी हम रिबेट दे रहे हैं। अच्छा, फीस में भी छूट? बिल्कुल। ओ भाई रे, देखो बिल्कुल लग गया तो सही का भीतर लग गया। आ जाओ एक बार चेक करांगे लग गया कौन लग गया। आ जाओ, कमाल लेकर दिया। देखो भाई कितनी भीड़ भैज लिया देखने का तर। अरे वेरी गुड, ये देखो तैयारी, गच की तैयारी भाई साहब, नौकरी की तैयारी, सपोर्ट्स की तैयारी, सारी तैयारियां का मैं चाला पैड दिया है शंकराय डिफेंस एकेडमी में। अरे वाह रे वाह, पूछ रहे थे ना ला भाई, ताड़िया होनी चाहिए भाई छोरे का तो। छोरा कड़ गया छोरा, वेरी गुड। आ भाई मोहित, ये देख लो 12 साल उरा गोया है, 12 साल एज है इसकी, इस लड़के की। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, तेरे तो शाबाशी मिलनी चाहिए, बहुत आगे बढ़ो, बहुत अच्छा। ताड़ी तुड़ी नहीं बजानी तो हमने थोड़े चला पड़ दिया। वेरी गुड भाई, एक मिनट मोहित, ये देखो भाई इसको बोलते कॉन्फिडेंस, पटदा को नहीं है यो। ये देखो भाई कॉन्फिडेंस देखो, पूरा गचका भीतर जा रहा है। एक मिनट में इसको बाहर निकालूंगा, कितना जा रहा है नो तो देखा है। क्या करें, नहीं पढ़ाई लिखाई तो दुनिया कर ली है लेकिन जो तजुर्बा नहीं मिलता, तजुर्बा मिला प्रैक्टिस तो है। छोरा नबेरा पट गया, इतना तगड़ा निशाना छोटे भाई, ज्यादा अच्छा नहीं है ये, और प्रैक्टिस करने से बीच में मारने पड़ते हैं ना इधर। अच्छा इसमें, लेकिन मेन तो येलो ही होता है, येलो को ऊपर तो लग ही गया, येलो पे तो लग ही गया सिलेक्शन, येलो येलो में से थोड़ी होता है। अच्छा, और आगे जाना पड़ेगा, फिर भी बीच में भी मार देते हो गए आप? हाँ लग जाते हैं, लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ला भाई कमाल ही कर दिया। ये देखो कितने सारे लग रहे हैं, ये देखो आप, ये छोरे ने प्रैक्टिस कर रखी है, ये लगा हुआ है यहाँ पे बीच में, ये देखो ये तीन तो बीच में लग रहे हैं, साइडों में भी लग रहे हैं, इधर उधर भी लग रहे हैं। भाई साहब कितना फायदा इसका? इसका भी बहुत फायदा था कि बच्चा अभी गेम में करेगा आगे सक्सेसफुल हो सकता है, अभी ओलंपिक लेवल तक जा सकते हैं। अभी इसके लिए एक नौकरी तक तो वैसे ही पहुंच जाएंगे, लास्ट तक वैसे भी डी ग्रुप में वगैरह कहीं भी ले लेंगे अगर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, नौकरी तक तो आपकी लगी थी नौकरी? हाँ मेरी 2018 में, उसमें डी ग्रुप में था मेरा सबसे पहले। तो फिर ज्वाइन कर रखे हैं?
नहीं ज्वाइन नहीं किया था। क्या बात है? क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे, मैंने स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई भी तो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली ना अभी। अच्छा, तो हाँ। यानी कि बड़ी नौकरी पे जाना चाहो? नौकरी क्या, बस सिखाना चाहता हूँ जी बच्चों को बस। क्या बात है भाई साहब, बबलू भाई आगा आ जाओ, मैंने न्यू बताओ जो से बालक आगे तैयारी करना चाहे है, आना चाहे है, एडमिशन ओपन है या कैसे है, या फिर आगे कैसे? भाई साहब 31 तारीख को ठीक सुबह 9 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, छठी से लेके प्लस टू तक जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की और पोस्ट की तैयारी करना चाहे उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। अच्छा, हाँ वो आ सकता है? वो आ सकता है बिल्कुल। एडमिशन महंगा होगा आपका ये? ना ना, बिल्कुल बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। रहने की कोई, खाने की कोई? A1 बढ़िया, अच्छी जगह, अच्छा हॉस्टल और अच्छी फैकल्टी और बढ़िया ग्राउंड। कबड्डी की तैयारी? बिल्कुल, इंटरनेशनल प्लेयर हमारे पास तैयारी के लिए और बड़ी आगे। आपको आज पता है हरियाणा के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी आर्चरी और कबड्डी का स्कोप बहुत ज्यादा है, इसकी हम स्पोर्ट एकेडमी लेके आए। क्या बात है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। कितने एक बच्चे लगवा दिए आपकी तरफ से, क्या अचीवमेंट है अभी प्लस टू में? प्लस टू जैसे प्लस वन और प्लस टू के बच्चे हमारे जो पढ़ते पढ़ते 12-13 बच्चे सिलेक्शन हो चुके हैं आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर उससे पहले? उससे पहले तकरीबन 3.5-4 साल में 350+ सिलेक्शन दे चुके हैं। ओ भाई रे, कमाल कर दिया भाई, इतने सारे सिलेक्शन दे दिए, चाड़ा पड़ दिया है शंकराई डिफेंस एकेडमी में। अगर आप भी चाहते हो आपके बच्चे का एडमिशन हो और उज्जवल भविष्य जो वो सुरक्षित हो जाए, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लियो। और भाई जिसा सोचा था उसा पाया, आपका गुरु द्रोणाचार्य जी यही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आशीष भाई साहब, बिल्कुल यही सिखाते हैं भाई साहब। आपके सिखाए हुए भाई साहब कहाँ कहाँ पहुंचे हैं? मेरे सिखाए हुए जी अभी 2 साल से सिखा रहा हूँ मैं, और 2 साल में 7-8 नेशनल मेडल है। नेशनल मेडल है? हाँ जी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। पार्टिसिपेट भी है काफी बच्चे, अभी लगातार ऐसे करते रहे। टारगेट क्या है? कट जाके दम लेना है जी, सबसे ऊंचे लेवल पे। आए हाय, यह तो क्वालिटी है, आग्रह है। अच्छा ये देख लो भैया, आप दूर से देख लो अंदर के फिटो, आप फोटो अपना जरूर दिखा दें, विजुअल दिखा दें। बाहर से ये आप देख पा रहे हैं जंगल में मंगल कर रखा है शंकराई डिफेंस एकेडमी, और एडमिशन ओपन हो लिए हैं। फटाफट करके आओ, बालक का भविष्य बनाओ, शायद इस तो ऊपर कुछ रह नहीं जाता। और कहने के लिए मेरे द्वारा कुछ और बचा नहीं, वीडियो ने खुल के शेयर कर दो, डूडा पाड़ दो। अगर आप अपने बालकों को लेके चिंतित है तो कर दो शेयर, डूडा पाड़ दो। देखते रहो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।